ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेकर एक अपडेट सामने आया है। डेव मेल्जर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर बहुत जल्द WWE में वापस आएंगे। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक के और WWE ने कंफर्म किया कि कोरा जेट पिछले वीकेंड में NXT लाइव इवेंट में इंजर हुई और वो लगभग एक साल एक्शन से दूर रहेगी। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक के और इस हफ्ते रॉ में हुए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच में कोई चेंजेस नहीं हुए थे। फाइटफुल सिलेक्ट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस हफ्ते रॉ में जिंदर महल का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतना या डेमियन प्रीस्ट का कैश इन करना ये कभी प्लान नहीं किया गया था। वर्ल्ड टाइटल मैच में सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चला। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक के और रॉयल रंबल के मेन इवेंट मैच को लेकर एक अपडेट सामने आया है। रेसलिंग ब्लॉग के अकॉर्डिंग फिलहाल रोमन रेंस वर्सेस रेंडी ऑर्टन वर्सेस एले नाइट वर्सेस एजी स्टाइल्स इस मैच को रॉयल रंबल के मेन इवेंट में करने को लेकर चर्चा है। रिपोर्ट में ये भी कहा कि मेंस रॉयल रंबल मैच को भी मेन इवेंट में करने की चर्चा है। तो हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक के और इस हफ्ते रॉ के लिए नया सेट यूज़ किया था। फाइटफुल सिलेक्ट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पता नहीं है कि इस हफ्ते रॉ के लिए यूज़ किया गया सेट परमानेंट है या नहीं, लेकिन रिसेंटली नए सेट पर चर्चा हुई थी। तो हम चलते अपने फाइनल टॉपिक के और सेथ रॉलेंस इस हफ्ते रॉ में इंजर्ड हो गए। PW टॉर्च के अकॉर्डिंग इस हफ्ते रॉ में जिंदर महल के खिलाफ मैच के दौरान सेथ रॉलेंस के बाएं पैर में चोट लग गई। बैकस्टेज में वो अपने आप चल रहे थे लेकिन लंगड़ा कर चल रहे थे। चोट की गंभीरता निर्धारित करने के लिए सेथ रॉलेंस को आगे चेक किया जाएगा। इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आपसे देखने के लिए धन्यवाद।